नार कलवा के अंदर ये सारे लोग जमा हुए। यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो टावर कनेक्टिविटी की है। टावर जो है वो इस एरिया में बिल्कुल टच नहीं करता है, टावर कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है और ये सारे लोग जो हैं ये सिग्नल से कटे हुए हैं। यहाँ कोई भी सैटेलाइट जो है वो जुड़ नहीं सकती है। यहाँ रूरल डेवलपमेंट के तहत PMAY स्कीम के मकान का 1.5 लाख रुपया था और उसकी जियो टैगिंग करने के लिए यहाँ कोई भी टावर ने काम नहीं किया और वो प्रोजेक्ट जो है वो ये वार्ड उस प्रोजेक्ट से महरूम रह रहा है। और दूसरा नंबर, कोई भी काम जो है उसकी जियो टैगिंग नहीं होती है इसमें, वो सिर्फ एक ही बुनियाद है कि यहाँ सिग्नल जो है ही नहीं है, टावर जो है टावर की बहुत बड़ी कमी है। तो इन सारे लोगों ने आज एक ज़बरदस्त एजिटेशन करना था, लेकिन इस एजिटेशन से पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन मोहर को इतला करना चाहते हैं कि अगर 2-4 दिनों के अंदर ये टावर कनेक्टिविटीज़ आप लागू करते हो तो आपका बहुत बड़ा शुक्रिया है। अगर ये टावर कनेक्टिविटी जो है इसकी जो पावरें हैं वो बढ़ाई ना गई तो हमने 2 दिन के बाद टावर कलवा माल को बंद कर देना है और इसकी कोई भी कनेक्टिविटी बाकी पंचायतों में भी काम नहीं करेगी। अगर के वो हमारे जहां हमने ज़मीन दी है और इस टावर के जो है बंदोबस्ती जो है ज़मीन है वो इस टावर को दी है इसीलिए कि ताकि हमें जो है इस सिग्नल का फ़ायदा हो, लेकिन वो फ़ायदा हो नहीं रहा है। आज लोगों ने इतला कर दिया है एडमिनिस्ट्रेशन से। हम सरपंच साहिबा की क्यादत में उसको उस टावर को बंद करेंगे, उसकी सारी जितने भी सिग्नल हैं उनको बंद कर देंगे। जब तक कि हमारे गाँव का पूरा सिग्नल नहीं आएगा तब तक हम उसको चलने नहीं देंगे। लेकिन हमारी गुजारिश है कंपनी से भी और एडमिनिस्ट्रेशन मोहर से, खासकर SDM साहब से, तहसीलदार साहब से और एयरटेल कंपनी से, जियो कंपनी से, कि फौरी तौर इसको